श्रीलंका के सियासी ड्रामे में आया नया मोड़, चालाक चीन की हर चाल होगी नाकाम, ड्रैगन को चित करेगा भारत। नमस्कार, मैं हूं कविता। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में राजनीतिक संकट खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना के उस फैसले को झटका दे दिया जिसमें उनकी रणनीति महिंद्रा राजपक्षे को देश के तख्त पर बैठाना था। कोर्ट ने संसद को बर्खास्त करके राष्ट्रपति सिरीसेना के फैसले को ही पलट दिया। तो बीते बुधवार को श्रीलंका की संसद ने महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया। एक तरफ जहां रनिल विक्रमसिंघे हैं जो पीएम आवास में डटे हुए हैं, तो वहीं राजपक्षे संसद में अविश्वास पत्र पर हुए वोटिंग को अनैतिक बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों श्रीलंका के इस सियासी ड्रामे पर भारत से लेकर चीन की नजरें गड़ी हुई हैं। असल में भारत को घेरने के लिए चीन पिछले काफी वक्त से श्रीलंका में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसमें उसका साथ राजपक्षे दे रहे हैं। असल में महिंद्रा राजपक्षे को चीन का करीबी माना जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल में राजपक्षे ने ना सिर्फ चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी, बल्कि हबनटोटा पोर्ट भी कई सालों के लिए चीन को लीज पर दे दिया। इतना ही नहीं, अपनी हार के पीछे महिंद्रा राजपक्षे भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं विक्रमसिंघे को भारत का हितेशी माना जाता है। सियासी पासा पलटता देख चीन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अगर विक्रमसिंघे की सरकार बन जाती है तो इससे चीन की कूटनीतिक हार होगी। वहीं श्रीलंका में भारत के दखल से टमटमाया चीन अब मोदी सरकार को खोखली धमकी दे रहा है। श्रीलंका की सियासत किस करवट बैठेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब श्रीलंका में भारत के खिलाफ शातिर चीन की कोई चालाकी चलने वाली बिल्कुल नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।